तक नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक नहीं जीता था भाला फेंकने में, जैवलिन में, तब तक उसके लिए सरकार ने क्या किया था? अभिनव बिंद्रा जिसने पहला स्वर्ण पदक जीता शूटिंग के अंदर, उसके पहले, शूटिंग के पहले जब किया था तो सरकार ने उसके लिए क्या किया था या उसके एसोसिएशन फेडरेशन ने क्या किया था? मैं ये जानना चाहता हूं सरकार से कि ओलंपिक्स में, एशियन गेम्स में, वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में भेजने से पहले आप उनके लिए क्या करते हैं? जीत के आने के बाद तो आप न जाने क्या क्या चीज उनको देते हैं जो मिलना भी चाहिए। एक अच्छा अभिनव बिंद्रा बनाने के लिए, एक नीरज चोपड़ा बनाने के लिए, एक पीवी सिंधु बनाने के लिए, एक साइना नेहवाल बनाने के लिए, एक साइना मिर्जा बनाने के लिए आपने सरकार क्या क्या करती है? सब देश की बेटी या बेटा अच्छा करके बाहर से आता है तो आप सब कुछ देने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन कैसे वो अच्छा बनकर आगे बढ़े उसके लिए करते हैं? कहां है कोचेस, कहां है प्रशिक्षक? हमारे जो खिलाड़ी हैं आज भी उनकी यही हालत है कि वह जनरल बक्सों में, जब डिब्बों में जाते हैं, टॉयलेट के सामने बैठते हैं, टॉयलेट में उनका सामान होता है, जब वो जाते हैं खेलने हैं, तो ऊपर खाबड़ मैदानों पर खेलते हैं, खाने के लिए ढंग से मिलता नहीं, डॉर्मेट्री में रहते हैं, टॉयलेट के सामने खाना बनता है। अरे अगर आपको ओलंपिक्स की तैयारी की बात करनी है तो आपको 2028 की अभी करनी चाहिए, न कि जब आपकी टीम चली गई हो। ओलंपिक्स की तैयारी, खेल लोग समझते खेल ऐसा ही है, चाहे गुल्ली डंडा खेला है, चाहे खो खो खेला है, चाहे हॉकी खेला है, हमने कोई ना कोई खेल खेला है। हम सबों के अंदर एक खिलाड़ी का दिल होता है, और एक खिलाड़ी के दिल में ये बात होती है कि वो खिलाड़ी खेल और खेल की भावना को साथ में रखता है, जात और मजहब की बात नहीं करता।